नाज़रीन दाऊद हमारे मेहमान थे, उनके बाद हमें ज्वाइन किया डॉक्टर अकबर साहब ने, तो अब इनके साथ भी फिजा। अब यहाँ पे कहते हैं कि दो लड़कियां हो तो उनकी बातें जो खत्म नहीं होती हैं। बिल्कुल, लड़की की तो बातें खत्म होंगी। आज हम आपस में बातें करते हैं, डॉक्टर साहब सिर्फ हमें सुनेंगे। नहीं, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद तो बहुत अच्छी है। लेकिन जितने अच्छे रोजे गुजरे ने एंड वाले 10, उतनी अच्छी ईद नहीं गुजर रही है। नहीं, ये तो बात पहले भी हो चुकी है, मेरी बहुत अच्छी गुजरी है। लेकिन ये बात आपने सही कही है कि दो, जब दो के दरमियान बैठा हो तो फिर मुझे बात करने का मौका काम ही मिलेगा। नहीं, मुझे भी मौका दिया जाए, मुझे भी मौका दिया जाए, ये आप एहतजाज करें। नहीं तो ठीक है, वो ये माशाल्लाह ट्रांसमिशन ईद की जो है वो बहुत अच्छे से जा रही है, तो ये चलती रहेगी साथ साथ। तो आप ये बताएं, ये पिज़्ज़ा जो आई है मेहमान, ये कहाँ से आई हैं, क्या जो करती हैं, कैसे ये दिन की गुजरी है? आपने पहले पूछा ही होगा, तो दोबारा नाज़रीन के लिए बताएं। फिजा आप बताएं कि आप कहाँ से आए, क्योंकि मैं बताऊंगी तो फिर अच्छी बात नहीं, मुझे तो पता, क्योंकि मैं तो फिजा को ना, मतलब ये समय एक चाइल्डहुड। मैं गुजरांवाला सिंह में, और मैं जॉब करती रही हूँ अपने महकमे में रेड क्रीसेंट में। तो वहाँ से मसूफियात के बाद काफ़ी दिनों के लिए इन्होंने कहा हुआ था तो टाइम दे, वो रमज़ान की वजह से टाइम ना दे सकी, क्योंकि वहाँ कुछ मसूफियात ही ऐसी थी महकमाना तौर पर बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आज चूँकि ईद का दिन था, ईद मिलन दिन है, आज तो इंसान इनकार नहीं करना था, टाइम निकालना ही पड़ता है फैमिली के लिए भी, दोस्त अहबाब के लिए भी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं। तो आज के दिन आपने क्या प्लान किया हुआ है, कहाँ कहाँ जाना है, किन-किन से मिलना है, क्या क्या? वैसे तो प्लान बस एक ही था कि ईद की नमाज पढ़ के सोइयां खा लूंगी और सो जाऊंगी, सो जाऊंगी, इसके अलावा और कोई प्लान नहीं। फिर आज के दिन का प्लान सोने का है, फिर नेक्स्ट डे आप दूसरे प्लान? हाँ जी, बस ऐसे ही है। डॉक्टर साहब मुझे भी कोई पूछ ले, मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे भी पूछे मेरी ईद कैसी गुजर रही है। आपकी ईद तो देख, आप सुबह से ट्रांसमिशन कर रही हैं बहुत अच्छे, देखे ये आपकी ईद है, लोगों के साथ आप मिलके उनको आप अंजाय के जो माहौल आप दे रही हैं, ये क्योंकि खुशियाँ जो आप दे रही हैं, ये आपकी खुशियाँ आप पूरे पाकिस्तान छोड़ के पूरी दुनिया में आप जो सेलिब्रेट कर रही हैं बहुत अच्छे से कर रही हैं। ये ईद की खुशियाँ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं, मुझे कितनी खुशी हो रही है, जबरदस्त। अच्छा, मुझे लग रहा था मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, डॉक्टर साहब ने मुझे अप्रिशिएट किया, कहते हैं ना कि हौसला देना चाहिए ये चीज है, और मुझे भी वाकई लग रहा है मैं कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था यार आज के दिन तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं, आपने जितना आज देखे, आपने सब छोड़ के, सब काम छोड़ के लोगों के लिए आप अपने आप को जो ईद की खुशियाँ डिवाइड कर रही हैं, तकसीम कर रही हैं, तो ये आपकी जो कावश है, इसको मुझे नहीं, पूरी जो वाम देख रही है वो सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये आपकी जो हिम्मत है, आप देखें उनके लिए कितना टाइम स्पेंड कर रही है, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह फिजा है, जिस तरह टाइम निकाला है, ये थोड़ी देर के मेहमान है, आप तो सुबह से मॉर्निंग से जो है स्टे रही, आप अपना काम कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप फिजा से पूछें इस किन किन से ईद ली है जदी। फिजा हर एज होती है ईद लेने की और देने की, मेरे तो आज मैंने किसी को भी नहीं दी, एक दो चार लोगों को जो दी है छोटे छोटे को, क्योंकि मैं घर से जब निकल आई हूँ तो मुझे मौका ही नहीं मिला। हाँ, अगर मैंने दी ही नहीं है घर में रह के ज्यादा लोगों को ईद, तो मुझे ईद मिली भी बहुत ज्यादा कम है। तो आपने कितने लोगों को ईद दी और कितने लोगों से? नहीं, मैंने अपने से जूनियर सबको दी है, और जो सीनियर थे उनसे भी मैंने सबसे ही ली है, मैंने दो ही ली है, मैंने ली जरूर है। वाह यार, ये तो बड़ा जबरदस्त बात है। अच्छा, इसका मतलब है मैं डॉक्टर साहब से ना बहुत ज्यादा जूनियर हूँ, तो मैं इनको सुबह से कह रही हूँ कि मैंने थोड़े को ईद लेनी लेनी, ये घर तो कह रही है बनती है ना बनती है। ये देखिए, ईदें जो होती हैं ये खुशियों का नाम है, क्योंकि ईद नाम ही खुशी का है, तो ये हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं, ये ईद ही होती है। अच्छा, जब हमारी बारी आती है ना तो कहते हैं जब हम अच्छे से मिलते हैं ईद ही होती है, हम आपको दुआएं देंगे, मैं आपको बहुत ज्यादा दुआएं देती हूँ, मुझे पैसे दे दो, गिफ्ट दे मुझे। एग्री कर रही है कि नहीं आप? ये ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, जब आप जो पहली दो ईद थी कितनी मुश्किल से गुजरी, आप उनका मुआवजा और आज की ईद के साथ मुआवजा करें तो आपको कितना डिफरेंस आएगा। और देखें, आप तो मेरा ख्याल इस फील्ड में है, तो आप कैसा फील कर रही हैं आज की ईद को पहले की नस्बत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये थोड़ी रिलैक्स है, कोरोना में काफी, उसमें तो आपकी ड्यूटी भी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा परेशानी थी, उसमें भागदौड़ बहुत ज्यादा थी, और जो डिप्रेशन था वो बहुत ज्यादा था, और अब अल्लाह का लाख शुक्र है काफी हद तक हम लोग रिलैक्स हो गए हैं, और लोग भी जरा परेशानी से बाहर आ चुके हैं। और फिजा की तो मैं फेसबुक पे ना मास्क के बगैर तस्वीर देखने को तरस गई थी, कोरोना खत्म भी हो गया, फिजा ने फिर भी मास्क नहीं उतारा था, हमें परमिशन नहीं थी ना, और फिर कुछ रूटीन बन गई हम लोगों की, तो हमने फिर वैसे उसको चलते रहने दिया कि नहीं अब वैसे ही चलना है।
तो अब कल का एक क्या प्लान है आपके, कल कैसे जो है तू कल इंशाल्लाह फैमिली को टाइम देंगे, बहुत ज्यादा सिस्टर्स को बुलाएंगे, गेट टुगेदर हो जाएगा इंशाल्लाह। और उनके लिए खाना भी बनाएंगे? नहीं खाना थोड़ा ना, गर्मी बढ़ी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, खा लूंगी बनाना नहीं है। हाँ तो मैं पंखे के नीचे बैठ के रहूंगी ना, तो पकाऊंगी मैं कैसे? कौन बनाएगा आपके घर में खाना, कौन बनाता है? सब यहाँ जाएंगे, मामा बना लेते हैं और मेरी सिस्टर्स बनाती हैं। सिस्टर्स बनाती हैं क्योंकि मैं मसरूफ होती हूँ ना, और फिर जब मैं घर आती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, फिर मैं दिल करता है अगर मुझे चाय पीनी है तो मुझे कोई बनाते हो। बच्चों शादी नहीं ना हुई, जब शादी होगी ना तो आप पूछूंगी कि मसरूफियत के बाद भी आपके ईद के दिन खुद ही काम करने पड़ेंगे ना? फिर मैं बना दूंगी, फिर मैं उन लोगों के लिए बना लूंगी, बना लूंगी डॉक्टर साहब उन लोगों के लिए बना लूंगी। चलो ये भी एक अच्छी देखो, घर में एक माहौल मिला होता है, तरबियत हुई होती है, वो तरबियत जो है आगे जाके बहुत अच्छी बात है। इस वक्त जो फैसिलिटी उनको मिल रही है मामा की तरफ से, जसेश्वर की तरफ से, तो अच्छी बात है। तो वो ये नहीं है कि इसने सीखा कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ इसने बोला उन लोगों के लिए, अंगेजमेंट हुई है। चलो शुक्र है अंगेजमेंट हो गया, नहीं तो जितनी अच्छी इसने ऑफर किया ना उनके लिए तो मैं सब कुछ कर लूंगी। ये ना होता मुझे कॉल्स पे कॉल लग जाती है, पिज्जा का जा रहा है। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि हमें ईद, ये तो हमारी आपस में जो बातें थी हो रही थी, ईद हमें किस तरह से गुजारनी चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि जो भी सुबह जो मॉर्निंग में है जो ईद की नमाज है उसको, वो जो नमाज ईद की है वो हमें अल्लाह की तरफ से एक वो नाम है जो हमने रोजे रखे होते हैं, बिल्कुल। तो वो दुआ जो है वो है कि अल्लाह ताला ने वो गारंटी दी होती है कि वो जो है मैंने उस बंदे को माफ कर दिया, वो ऐसे माफ होता है जैसे अभी जो अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो ये हमारे लिए खुशी की, ये सबसे पहले वो खुशी है जो हमें ईद की तरफ ईद की मिलती है अल्लाह की तरफ से कि हम बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। तो बाकी हम लोगों को ऐसे मिले कि जैसे बिल्कुल हमारे दिल साफ हों, हम लोगों को इस तरह से मिले, कोई गलती किसी के साथ हमारी तरफ से कुछ जाती है तो बिल्कुल उनको जाके ऐसे मिले कि हमें आप जो ईद है ऐसे ईद है जैसे अल्लाह ताला ने हमें इनाम दिया है, तो हम भी ऐसे मिले एक दूसरे के साथ कि हमारे दिल जो है खुश हों और एक दूसरे के लिए बुगज ना हो, नफरत ना हो, और बिल्कुल रिश्तेदारों को मिलें। जहाँ जहाँ कोई हमारी कोताही है हमें कोशिश करनी चाहिए उनसे जाके माजरत भी करें और उनके लिए मिठाइयाँ लेके जाएं, तोहफे लेके जाएं, गिफ्ट लेके जाएं। कल का दिन डॉक्टर साहब हमारे घर आ रहे हैं, मिठाइयाँ लेके आएंगे, गिफ्ट लेके, दोनों चीजें लेके आ रही है। अगर नहीं चाहे डॉक्टर साहब आ जाएंगे तब आप मुझे कॉल करें तो मैं फौरन आ जाऊंगा मिठाई खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए पता है ना खान तो आज के बाद मिठाई खाने के लिए ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तो यही खुशियां हैं जो हम एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं तो वो हमारी खुशियां दोबारा आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे फिजा आप क्या कहती हैं कि हमें ईद के दिन कौन से हमारे दिल में ऐसा कि ना बोझ है जो वो रखना चाहिए या हमें खुदा की रजा के लिए अल्लाह की रजा के लिए माफ कर देना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि माफ वही करता है जिसपे अल्लाह ताला की अता होती है, जिसपे जिसको अल्लाह ताला का जिसपे कर्म होता है, जिसको जिसमें हिम्मत होती है। माफ कर देना भी हर एक बंदे के बस की बात तो नहीं है, हिम्मत ही नहीं करता इंसान। और मैं समझती हूँ कि ऐसे मौके पर लोगों को अपने दिल साफ कर लेने चाहिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं नेक्स्ट ईद है नहीं है, ऐसे तो क्या पता अगला आपकी वजह से भी बहुत ज्यादा दुखी हो तो अब बेहतर है आप उसे माफी मांग लें। दूसरा यह है कि हमारे दिल जब साफ होंगे तो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर जो रहते हो वो उसमें फजल होगा, बरकत होगी, इसीलिए हमारे दिल को हर वक्त हमको साफ रखना चाहिए। हम कहते हैं कि हमसे किसी ने माफी मांगी नहीं है, भाई हमने किससे माफी मांगी, हमने सच्चे दिल से किसको माफ किया? जिस तरह आप ये चाहते हैं कि आपके साथ बर्ताव किया जाए, आपके साथ सलूक किया जाए, आप कोशिश किया करें कि दूसरों के साथ भी वैसा ही रवैया रखें जिस तरह का आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग रखें। तो नाज़रीन यहाँ पर फिर से वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, ईद का दिन हमारे साथ रहेगा, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।